NS-57 पथ पर बाइक सवार तीन अपराधी दो देसी कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार। सिवनी थाना के तेलिया पोखर के समीप दबोचा। सिवनी थाना की पुलिस ने हाईवे पथ के तेलिया पोखर चौक से सोमवार की रात हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार तीन अपराधी को दो देसी कट्टा दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर गया घाट थाना जहांगीर टोला निवासी पलधारी सहनी के पुत्र लाल सहनी व मछुआरा टोला निवासी किशोरी सहनी के पुत्र राजू सहनी तथा कटरा थाना के तोहवारा निवासी अयोध्या बैठा के पुत्र ललित बैठा के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया है कि NS-57 पथ पर अपराधी घटना को अंजाम देने आए तीनों बदमाश से पूछताछ की जा रही है। सोवन की तरफ से आ रहे बाइक पर सवार तीनों युवकों को जब गश्ती दल ने रोका तो एक युवक गाड़ी से उतरकर तेजी से सिमरी की तरफ भागने लगा। पूछताछ में बाइक का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। तलाशी के क्रम में जींस पैंट में एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस बीच अपना लाइन होटल के पास मुख्य पथ पर पहुंचा तो त्रिमुहानी के पास भाग रहे युवक राजू सहनी के पास से एक देसी कट्टा व दो मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तार तीनों बदमाश की निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी चल रही है। अवैध हथियार रखकर लूटपाट व डकैती की योजना बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।